आरआरआर के बाद एसएस राजामौली ने आरआरआर 2 पर किया बड़ा खुलासा, जाने कब होगी रिलीज। साल 2022 में मशहूर डायरेक्टर एसएस राजामौली ने अपनी फिल्म आरआरआर को रिलीज की थी, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। राजामौली की फिल्मों का तो हर कोई दीवाना है, जब भी उनकी फिल्में रिलीज होती है बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होती है। और अब इसी के चलते आरआरआर के बाद अब आरआरआर 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि आरआरआर को रिलीज हुए 10 महीने से भी ऊपर का वक्त हो चुका है। फिल्म सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने नाम का डंका बजाने में कामयाब रही। इस फिल्म को लेकर खास बज रहा, तभी से ही साउथ सुपरस्टार रामचरण और जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म आरआरआर के दूसरे भाग को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक डायरेक्टर इन रिपोर्ट्स का खंडन ही करते रहे थे, मगर अब हाल ही में एक इंटरव्यू में एसएस राजामौली ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। राजामौली इन दिनों अपनी फिल्म आरआरआर को जापान में रिलीज करने के बाद जमकर प्रमोशन में बिजी है। ये फिल्म जापान में शानदार कमाई करने में सफल रही है। इस फिल्म को दूसरी कंट्रीज में भी प्यार मिलने के बाद अब हाल ही में निर्देशक एसएस राजामौली ने आरआरआर 2 को कंफर्म किया है। फिल्म निर्देशक ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे पिता केवी विजेंद्र प्रसाद एक लेखक है जो मेरी हर फिल्म की कहानी लिखते हैं। हमने आरआरआर 2 को लेकर भी चर्चा की है और वो इसकी कहानी पर काम कर रहे हैं। फिल्म आरआरआर में रामचरण और जूनियर एनटीआर की दोस्ती की खूब चर्चा हुई थी। दोनों ने ऑन स्क्रीन शानदार काम कर हर किसी का दिल जीत लिया। इसके बाद जब आरआरआर 2 को लेकर नई जानकारी मिली है तो फैंस दोबारा इन दोनों सितारों को एक साथ ऑन स्क्रीन देखने के लिए एक्साइटेड है। हालांकि दोस्तों इस फिल्म की रिलीज में काफी वक्त लगेगा। यह फिल्म 2024 या 25 तक रिलीज हो सकती है, लेकिन आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी नेचर को सब्सक्राइब करें।